चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो ये हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर रहा। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है ना, मैं इसको ठीक कर दू। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू होती है एन अपॉन एन ए नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू ग्राम मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये होता है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन में ये जो 9 ग्राम है वो एम दिया हुआ है और कैपिटल एम मोलर मास है, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 9 ग्राम डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन गैस H2H, तो 1 ग्राम इसका 1 ग्राम इसका दोनों मिला के कितना हो गया? 2 ग्राम ना, 2 ग्राम हो गया। तो मोलर मास हो गया 2 ग्राम डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? 4.5। म्यू की वैल्यू हो गई 4.5। अब ये वैल्यू उठा के रख दो इस इक्वेशन में। सो पीवी इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 4.5 इंटू आर टी। कौन सा ऑप्शन सही है? ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ट्रिकी तो नहीं कहेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन था, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।